सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इफ यू आर नॉट देयर तो यहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 16,800 लोगों की एक्चुअल ट्रेडर्स की कम्युनिटी है। तो यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स फ्री में मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, बिकॉज अभी जैसे मैंने पोल कराया था, मैंने बोला था डू यू नीड अनदर मास्टर ब्लास्टर फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद मोर देन 80% सक्सेस रेट, देन गिव 300 हार्ट्स। तो 464 हार्ट हार चुके हैं इन लेस देन 1.5 आवर्स। तो लेट्स नॉट डिसअपॉइंट द पीपल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि ये है हमारी चैनल की पॉपुलर वीडियो, जो अगर आपने नहीं देखे हैं, 330 फॉर्मूला, ट्रैफिक लाइट को डिकोडिंग स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, यूनिक सुपर ट्रेंड एंड हाफ ट्रेंड, हाउ टू बिकम क्विक स्कैल्पर। अगर स्कैल्पिंग आपका फोर्टे है तो यहाँ पे जाके इन वीडियोस को विजिट करिए, देखिए, समझिए और सीखिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और प्रॉपरली ट्रेड कर सकें। नाउ, ये स्ट्रेटजीज के ऊपर क्या कुछ ऐसा बेहतर हमने बनाया है जो कि 330 फॉर्मूला से बेटर काम करता हो, ओक्टा से बेहतर काम करता हो, रैंकों के हिसाब से काम करता हो? क्या आप ट्रेंड फॉलोइंग प्रॉपर इंट्राडे में बैंक निफ्टी, निफ्टी या इंडेक्स या स्टॉक्स सब में कर सकते हो? तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप टाइम पास के लिए आए हो, तो कृपया करके बंद कर दो और चुपचाप यहां से चले जाओ, बिकॉज यहां पे मिलने वाला है वो कंटेंट जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है एज अ ट्रेडर। इतने सारे लोग जब मेरे ऑफलाइन सेशंस में आते हैं और अटेंड करते हैं, तो वो लोग पैसा दे के आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसी लेवल का कंटेंट मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, बैंक टू कीप माय वर्ड्स, आई एम गिविंग यू दिस स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी से आप सच में अगर काम करेंगे तरीके से, तो करोड़ों क्या बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन इज द की। एंड स्ट्रेटजी में, मेथोडोलॉजी में आपके पास दम होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैंने ये पहले भी सुना हुआ है तो भी सुनिएगा, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी सुनिएगा, आप नोविस हैं तो भी सुनिएगा। जिन लोग मेरे हिंदी भाषी दोस्तों को नोविस नहीं पता, मतलब जो लोग अभी अभी ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनको नोविस बोलते हैं। चलिए, वीडियो में सबसे पहले आपने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी सुनी होंगी, जबकि आप लोगों ने सुना होगा कि देखो 9:20 स्ट्रेटजी, 9:30 स्ट्रेटजी, 12:15 स्ट्रेटजी, 3:30 3:00 PM कैंडल, 2:30 स्ट्रेटजी, 1:15 स्ट्रेटजी। ये सब अलग अलग तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। मैं ये नहीं बोलता बिल्कुल गलत है, मैं सहमत उन बातों से, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में ये सब लैग करते हैं, एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जब हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉन डायरेक्शनल मार्केट या डायरेक्शनल मार्केट, सभी में वो काम करता हो? ठीक है, तो अब आपका पहला आंसर मिलने वाला है, क्या ये सभी तरह के मार्केट्स में यूजफुल रहेगा आपको? तो मैं बोलता हूँ हाँ, ये रहेगा। तो आपको पहला रीजन मिल जाता है वीडियो को लाइक करने का और शेयर करने का, क्योंकि अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट जो मैं यहाँ देता आया हूँ, वैसा ही कंटेंट मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पहला काम करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो और लाइक करके छोड़ दो, अगर अभी नहीं देखना है। अगर देखना है तो भी लाइक करना, लेकिन अभी सुनने के बाद देखो। पहले आपको क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले काम करना है, तो ये जो स्ट्रेटजी है वो 9:45 स्ट्रेटजी है, 9:45। अब 9:45 का मतलब क्या है? ठीक है, 9:45 का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मैं आपको समझा देता हूं कि 9:45 का मतलब क्या है। ये है 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्या है ये? 15 मिनट। अब आपके दिमाग में ये दौड़ रहा होगा, और ये तो ओआरबी की बात कर रहा है ना। रे मेरे भाई, ओआरबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। होता क्या है, जब मार्केट खुलता है इनिशियली, तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा तो हम आओ देखेंगे ना ताओ, और चुपचाप जाके खरीद लेंगे, कुछ अपना नुकसान कर देंगे। समझ में आया? बहुत जल्दबाजी रहती है, तो ये जल्दबाजी में नहीं करना है। अब बोलोगे 15 मिनट का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है सर, तो इसमें ये इंट्राडे के लिए है या पोजिशनल है? तो दोस्त, इसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं और पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एज अ ट्रेडर आपको समझ में आना चाहिए। नहीं है तो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब मार्केट खुलती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एक चीज का जानकारी समझ लीजिए, अगर मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग बेसिस में, पिछले दिन के
क्लोजिंग बेसिस में जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है और उसके ऊपर हम खुलते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड जनरली पॉजिटिव ट्रेंड में रहने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी हम ऊपर गए थे और नीचे क्लोज करे हैं और मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हुआ है, तो देर इज अ हाई चांस ऑफ रेंज बाउंड मार्केट, जबकि मार्केट उस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर देता या स्विंग लो को क्रॉस नहीं कर देता। इसमें तीन सिनेरियोज रहेंगे, नोट्स बनाओ, ऐसे हवाबाजी में मत सुनो, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले कॉपी किताब ले लो, चुपचाप सुनो, जो लिखो और उसको बैक टेस्ट करना, स्टॉक्स में कर लेना, कमेंट में गाली लिख के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन गलत हुए तो ठीक है, अगर अच्छे हुए तो थोड़ी तारीफे आरीफे कर देना कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर खराब लगता है तो कोई बात नहीं, उल्टा भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी समझो, यहाँ पे ऊपर खुलेंगे तो क्या समझेंगे हम, मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है, यानी आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझ में आता है, हम यहाँ पे ऊपर गए और ऊपर ही खुल गए तो अपन पॉजिटिव टेरिटरी में है, यहाँ पे है तो हम नॉन डायरेक्शनल है, हमको नहीं पता किधर जाने वाले हैं हम, और इसके नीचे खुल गए तो जनरली ट्रेंड को हम नेगेटिव मानते हैं, ये आपको जान के पता लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे खुले और यहाँ पे बंद हुए और फिर उसके बाद खुल ही नीचे गए, तो ये तो ऑफ कोर्स नेगेटिव टेरिटरी में खुल गए, है ना। अब यहाँ पे वो खुल गए तो पॉजिटिव टेरिटरी में कंटिन्यूएशन हो गया। वैसे ही अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है तो क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लो आपने अभी खेलना शुरू किया और आप अभी आके मार्केट में काम करने आए हुए, तो मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन साइड में है और हम अगले दिन इसके ऊपर खुलते हैं, तो मतलब थोड़ा सा पहले चांस क्या है, पॉजिटिव टेरिटरी में खुल गए। अगर मान लीजिए नीचे जाके ऐसे ऊपर बंद हुए थे, तो दूसरा सिनेरियो, इधर कहीं खुल गए तो मार्केट इनडिसिसिव है, समझ में आया। मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे की साइड है और हम ऊपर खुल गए हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, देख रहे हो ना कैंडल्स क्या कर रही हैं, तो ये गेम आपको समझ में आना चाहिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो आपको अपनी तीन जोन्स अभी समझा दिए मैंने कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो मार्केट में आप किस सिनेरियो से खुल सकते हैं, मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा था और फिर यहीं बंद हो गया और हम इसके ऊपर खुल गए तो कंटिन्यूएशन, नीचे खुल गए तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, ये मुझे जानना चाहिए। दूसरा क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे बंद हो गया, इसके ऊपर हुआ तो कंटिन्यूएशन, बीच में हुआ तो इंडेसिसिव, नीचे हो गया तो कंटिन्यूएशन ऑन द डाउन साइड, मतलब रिवर्सल आ सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए नीचे जा रहे थे और नीचे ही कंटिन्यू कर गए तो रिवर्स कंटिन्यूएशन, ऊपर जाने लगे और यहाँ कहीं बंद हुए, इधर बंद हो गए और फिर उसके बाद यहाँ खुल गए, तो मतलब इनडिसिजन, और इसके ऊपर जा लगे तो कंटिन्यूएशन, इस चले तरफ चले गए तो मतलब रिवर्सल। आपको ये तीन चार चीजें पता होना चाहिए जोन्स आइडेंटिफाई करने के बारे में। तो पहली चीज समझ में आ गई अपने को, मार्केट कहाँ खुल रहा है, ये कब पता चलता है अपने को, मार्केट जब खुल रहा होता है, खुलता कितने बजे, 9:11 पे, आपको 9:08 से 11 मिनट के बीच में आपको पता रहता है मार्केट कहाँ खुलने वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्री ओपन में ही पता चल जाता है अपने को, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में काम करेगा, ठीक है। ये अपने को गैप अप और गैप डाउन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब आपको हड़बड़ाना नहीं है, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको बता दूं, मार्केट में सुबह सुबह कौन काम करता है, FIIs, DIIs, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, अपने तुम्हारे जैसे रिटेलर्स, ये सब लोग आते हैं, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है पहली कैंडल में। तो हमको क्या करना है, 15 मिनट की इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है, 15 मिनट की इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको क्या करना है। देखो दुनिया में जो भी चीजें अभी सीख रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, अरे उसको कैसे मिस हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रेंड मिस हो जाएगा, सब कुछ को गोली मारो, चुपचाप सुनो जो बता रहा हूँ, ठीक है। अपन को क्या समझना है, सबसे पहले जब तीसरी कैंडल क्लोज होती है, यानी कि 9:45, कैसे 9:50 × 9:30 अपना कितनी कैंडल हो गई, एक कैंडल बनी, राइट। और जो सेकेंड कैंडल बन गई, सेकेंड कैंडल बन गई तो 9:45, 9:30 to 9:45, ये क्या बन गया, 9:30 to 9:45, तो जो सेकेंड कैंडल बन गई, वो सेकेंड कैंडल जो बन गई है वो मेरी टारगेट कैंडल होने वाली है, यानी कि 9:30 to 9:45 जो कैंडल बनी है वही मेरी टारगेट कैंडल है। तो मैं 9:45 क्यों बोल रहा हूँ इसको, 9:45 इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी,
9:45 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो शुरू होगा वो 9:45 वाली कैंडल के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करना है इसे? सबसे पहले आपको काम करना है, जो पहली कैंडल है उसे अवॉइड करना है। क्या करना है? पहली कैंडल है उसे अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। उसके बाद में जो सेकेंड कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करके रख देना है, जो हाई और लो मार्क करके रख देना है। जैसे ही आप इस तरह का जोन्स आइडेंटिफाई करोगे और आप देखेंगे कि मेरा जो जोन है वो बन चुका है अब, तो मेरे लिए क्या होगा, जो ये कैंडल का हाई क्रॉस करने पे जो भी मोमेंटम आएगा, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा अब? ब्रेक आउट वाला एरिया हो जाएगा। और ये एरिया कौन सा हो जाएगा दोस्त? ये एरिया हो जाएगा अब ब्रेक डाउन वाला एरिया। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी कभी आप ट्रेड करने जाते हो, तो बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, जब भी कभी आप बात करने जाते हैं, अगर मान लीजिए आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, आप ये एक्स वाई जेड पर्सन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जाने का रास्ता है, इस तरफ जाने का रास्ता है, ठीक है, अब इस तरफ जाने का रास्ता है, आप इस तरफ जाने लगे, आपको किसी ने बहुत जोर की गाली दी या फिर डांटा, आप वापस जाने लगे, आप दोबारा आए, फिर से आपको गाली पड़ गई, तो आप क्या कोशिश करोगे? आप पहले से ही सोचोगे यार इस तरफ तो कुछ इज्जत ही नहीं, अपन उस तरफ चलते हैं। यही मार्केट का नेचर होता है, यहाँ से जाने की कोशिश करी, नहीं जाने दिया, अब यहाँ के आधे रास्ते में वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मैं इस तरफ जाऊंगा। यही रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट का जोन होता है, इसी में पैटर्न बनते हैं और इसी में ये सोचता है कि चल इस साइड नहीं जाने दे रहा तो अपन उस साइड ट्राई कर लेते हैं, दोनों बाउंड्रीज को टेस्ट करेगा। तो अपने को क्या करना है, ये जोन में मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मिला या नहीं मिला? जिस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, जिस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? चाहे तो आप 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप ऊपर का जोन देखें तो इसने क्लीन ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया है। क्लीन ब्रेकआउट किस लिए दिया है? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस केस में वो कैसे डिफाइन होता है? तो हमारे पास जो स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग पोजिशन बनाने की, वो ये होती है, देखो ये वाले, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस किधर आएगा? तो इसी कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, क्या हमारा एसएल गया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1:1.3 का आ रहा है। क्वाइट रिवॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड है ये, ठीक है, क्वाइट रिवॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड। अब यहाँ पे इसने कोशिश कर ली और इस तरह से बन गया। अगर आप मान लीजिए, आप मान लीजिए कि आप 15 मिनट नहीं ट्रेड करना चाहते, जैसे ही 15 मिनट की वो कैंडल बन जाती है, आपको शिफ्ट कर जाना है 5 मिनट, या फिर आपको शिफ्ट कर जाना है यहाँ पे 2 मिनट के चार्ट पे या फिर 3 मिनट के चार्ट पे। मेरा प्रिफर्ड जो टाइम फ्रेम है, प्रिफर्ड टाइम फ्रेम मेरा हमेशा से 3 मिनट का रहा है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड करता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जो ये ब्रेकडाउन देख रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, क्लोज होते ही साथ अगर ट्रेड लोगे, तो मैंने बोला हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए जैसे नीचे साइड में ब्रेकडाउन दिया इसने, तो क्लोजिंग यहाँ हुई है, क्लोजिंग होने पे मेरा जो एसएल आ रहा है वो पिछली कैंडल के लो पे रहेगा। जब छोटी कैंडल होती है तो पिछली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसने कितना रिवॉर्ड दिया है? 0:1:0.77 दिया है, तो उतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मानेंगे। लेकिन एसएल जब कटा है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उसने दी हैं एग्जिट मारने की। अब एक चीज याद रखिए, कैसे पता चलता है कि मुझे किस तरफ ट्रेड लेना है, किस तरफ नहीं लेना है, कैसे करना है इस गेम को, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई थी, तो आप कैसे इसको सेट करते? मैंने बोला पिछली कैंडल पे एसएल लेके आप ट्रेड लोगे, तो कितना प्यारा ट्रेड है, देख रहे हो, यहाँ से आपने ट्रेड लिया और क्रॉस होते ही साथ आपको जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है वो 1:2 का मिला है। तो मान लीजिए आप यहाँ स्कैल्पिंग में गलती करते हैं, आपको एक एसएल हो जाता है, तो ये इसमें डबल प्रॉफिट इस तरफ दिखा दिया है और यही जोन में आपको मजा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, 6 तारीख का गेम देखते हैं, 6 तारीख को क्या हुआ है, लेट्स रिमूव एवरीथिंग एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 तारीख को चलता हूँ और दूसरी कैंडल का लो और बॉटम
मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने लो कर दिया, ये मेरा बॉटम हो गया। अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ब्रेकआउट ये हो जाता है, अगर आप मान लीजिए कि आप 15 मिनट का ही चार्ट इस्तेमाल करते हैं और ट्रेड करते हैं, इस केस में कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, तो सॉरी यार, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया और मुझे ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करना था, आपने यहाँ पे देखा कि एसएल मैंने इतना पे ले लिया है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट हो जाता है, समझ में। एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। अनदर वे टू डू इट कि व्हेन यू हैव लार्ज कैंडल्स और लार्ज फॉर्मेशंस, इसी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको जब ट्रेड लेना चाहिए एट दैट टाइम आपको पिछली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना चाहिए। तो इस केस में मेरी एंट्री कहाँ बन रही है, 3 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे मेरी एंट्री कहाँ बन रही है, तो वो बन रही है दोस्त इस कैंडल पे, ये जो कैंडल बनी है ना इसी कैंडल पे एंट्री बन रही है, तो लेट मी पुट माई स्टॉप लॉस या लेट मी पुट माई लेवल। तो कोई बंदे होंगे जो इसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे, कोई बंदा होगा जो वेट करेगा, कोई बंदा क्या होगा वेट करेगा, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अब अगर इन्हीं चीजों को ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है, अगर आप 920 स्ट्रेटेजी को काम कर रहे होते तो आपको क्या मिलता है यहाँ एसएल, लेकिन यहाँ क्या है क्लीन ट्रेंड पकड़ में आ रहा है, तो आप कहीं समझोगे कि 920 से 945 वाली स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट ढूंढना है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को अपने को मिल जाता है। हाउ, मार्केट ऐसे गई, फिर उसके बाद में क्या किया उसने, नीचे गई, फिर उसके बाद क्या किया इसने, ये गया, तो आप क्या यहां तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, यहां तक आप नहीं निकाल सकते हो प्रॉफिट, बहुत जबरदस्त काम है। इससे और क्या समझ में आ जाता है, एक बार अगर मार्केट इस जोन में निकल जाता है तो आप अच्छे खासा देख पाओगे कि जिस जोन से बाहर चला जाता है वही एक इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में पॉजिटिवली बनी रहती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल, हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे पीछे। आप बोलोगे यार ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग मार्केट में दिखा रहे हो, तो को थोड़ा सा साइडवेज मार्केट भी अपने को देखना चाहिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड साइडवेज मार्केट में इसको कैसे प्ले आउट करना है और क्या मुझे एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है या नहीं मिलता है। चलिए मैंने बोला कि आपको 9:20, 15:15 एंड 9:15 एंड उसके बाद में ये कैंडल मिल जाती है। आपको मैंने बोला कि आप ट्रेड कब इनिशिएट करोगे दोस्त, आपको यहाँ पे हाई और लो सेकेंड कैंडल का मार्केट के चलना है और फिर अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको ट्रेड लेना है वरना नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है, तो हमारे पास ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में मुझे ट्रेड मिल जाता है, किस तरफ मिलता है लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने बोला 15 मिनट हो जाते ही साथ आप 3 मिनट के चार्ट पे ऐसा इस तरीके से चले जाओगे और जाने के बाद में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर वी हैव गॉट द ट्रेड और वी डिडंट गेट द ट्रेड, हमें मिला भी ट्रेड कि नहीं मिला, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। क्या ये लेवल टूटे हैं, क्या ये लेवल टूटे हैं, तो ये लेवल टूट गया है, यहाँ पे लेवल टूटा है, फिर उसके बाद में लगातार मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है, हम यहाँ पे ट्रेड लेते, मान लीजिए इसके लेवल टूटते ही साथ अपर ट्रेड ले लेते तो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। मान लीजिए आपने इस पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ये बहुत साइडवेज मार्केट है, बहुत ज्यादा सिलाई बुनाई हो रही है और साइडवेज मार्केट है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप किस तरीके से इसको एनालाइज करोगे, क्या करोगे। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेड लेने के बाद में ऊपर गई है, फिर आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ दी है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं तो भी आपका एसएल चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका पिछली कैंडल पे एसएल रहता है ना, तो यहाँ पे एसएल चला जाएगा अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हो, ठीक है। विन मोस्ट केसेस हो सकता है कि आप प्रॉफिट ना बुक कर पाओ, लेकिन क्या जब इसने दूसरी बार भी ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, तो क्या इसने सस्टेनेंस दिखाया था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमको अच्छा खासा सस्टेनेंस यहाँ पे दिखा दिया था यहाँ तक का। तो देर विल बी सम डेज वेर यू विल लूज सम मनी, बिकॉज ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी पैसा ऐसा ही है कि बिल्कुल पैसा बनेगा ही बनेगा और हमेशा कभी भी आप लूज नहीं करोगे, बिकॉज लूज तो करोगे लेकिन जब आप लूज करें तो छोटा करें और जब प्रॉफिट बनाएं तो बड़ा बनाएं, कैसे आपको जाहिर होता है। यहाँ पे हमेशा किसको कैंडल को मैंने टारगेट करने के लिए बोला है, आपको टारगेट करना है, देखिए ये सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, और फिर उसके बाद जब इसके हाई को क्रॉस किया तब उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट हो जाता है।
यहाँ पे पॉइंट कैच करने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे भी रिवॉर्ड कमाते हैं, फिर यहाँ पे भी कमाते हैं, फिर उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, आप दोबारा भी ट्रेड करते हैं, आप ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका लो नहीं क्रॉस होता है, बाद में क्या होता है इसका हाई क्रॉस होता है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है। आप जरूर टेस्ट करिए इस चीज को और बताइए कि इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया है। मैं आपको दिखाने के लिए बहुत बहुत आराम वाले दिन भी चूज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 9:15 की ये कैंडल दिखाई होती ट्रेंडिंग मार्केट में, आप तो बोले अरे मेरा तो पूरा पूरा एकदम बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये तो आप भी कर लोगे जब मैं बताऊंगा, लेकिन जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्या लॉजिक अपनाना है, जैसे अब ये दिन है राइट, इन दिनों में तो आप खुद एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पे आराम से काम कर सकते हैं। ये दिन है कैसा प्यारा दिन है राइट, ये दिन है इधर भी ब्रेकआउट मिल गया, इधर ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये आप एडवांटेज ले पाओगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कैसे करना है, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको समझना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, फिर उसके बाद जाके 3 मिनट पे एंट्री लेनी है, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल यहाँ पे जाइए एक मूविंग एवरेज लगाइए। मूविंग एवरेज कौन सा लगाना है दोस्त, मूविंग एवरेज आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज कौन सा लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन कलर का बार रहेगा। आप सिंपल देखोगे कि अगर ब्रेकडाउन होना है या ब्रेकआउट होना है तो मार्केट को उस मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन होना है और ब्रेकआउट होना है तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या मिल जाता है, जोन मिल जाता है, किसी भी जोन में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो हमेशा याद रखिए, चाहे वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस हो गया है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट, अगर नीचे हो रहा है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ अ ब्रेकडाउन। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। इससे क्या होगा, आप जो ये फालतू के लॉसेस करते हो, दिन भर ट्रेड करते हो, ऊटपटांग करते हो, तो आप कभी भी इस तरह की गलतियां करने से बचोगे। कैसे, यहाँ पे देखो अपन को सिंपल पता है कि इसके ऊपर है राइट, और ग्रीन कलर का बार है और अच्छा खासा ब्रेकआउट है। सिंपल देखो, ग्रीन कलर क्या बोला, ग्रीन कलर का बार है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ बंद हुई है, तो जहां बंद हुई है उधर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, अगर रेड होती तो अपन यहाँ बंद होते, तो अपन आप खुद ही सोचो, आप अगर इस दरवाजे के पास में तो यहाँ से निकलना आसान है ना, और अगर यहाँ पे है तो यहाँ से निकलना आसान है, तो दोनों सिनेरियोस को कंपेयर करके देखो। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो वहां से निकलना आसान है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे है तो ज्यादा चांसेस है कि वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अपने को ये नॉलेज होगा तब तो करेंगे ना। अगर कोई मेरा फॉर्मेशन लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेरा फॉर्मेशन इसके नीचे हो रहा है, तो क्या हो चांसेस हैं कि नीचे जाने के, अगर ऊपर हो रहा है तो ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। सिंपल चीजों को रखो और आगे बढ़ो। इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ यू लाइक माई वेस, तो हिट द लाइक बटन, बिकॉज टारगेट ऑफ दिस वीडियो, लाइक का टारगेट जो रखे है मैंने 2000 रखा है, और इसके बाद इसी स्ट्रेटेजी को दूसरे किस तरीके से और एडवांस बनाया जा सकता है, इस पे मैं अगली वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग कभी भी जब ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी तक लॉस करते आए हो तो वो लॉसेस करना बंद कर दो। दिन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप हमेशा प्रॉफिट में निकलने की ज्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी राइट। आप निफ्टी में यूज करना चाहते हैं चाहे निफ्टी में यूज करिए, आपको स्टॉक में यूज करना है आप स्टॉक में यूज करिए, बिकॉज लॉजिक जो है वो यही रहता है। अगर आप इसको यूज कर दे आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाओगे, आप इसको यूज करोगे आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाओगे, आप इसको यूज करोगे आप हमेशा प्रॉफिट लेके जाओगे। तो इसको यूज करो दोस्तों, और अगर आपने वीडियो अभी तक प्रॉपरली नहीं देखा है, उठपटांग इधर उधर 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 करके देखा है, तो फिर से पूरा सुनो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, प्रोत्साहित करिए, बिकॉज योर वन लाइक, वो मेरे पैसे नहीं देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और फ्री कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, कौन से टॉपिक पे सुनना चाहोगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरी पढ़ाना कैसा लगता है वो भी कमेंट करिएगा, और क्या चाहिए इस चैनल से वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।